खबर देवरिया से। विगत कल देवरिया जनपद में जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 5 लोगों समेत 6 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें सत्य प्रकाश दुबे सहित उनके परिवार के 6 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में सत्य प्रकाश दुबे का बड़ा बेटा देवेश घर में नहीं होने की वजह से बच गया था। सत्य प्रकाश दुबे के बड़े बेटे देवेश ने कहा कि कल मेरे भाई गांधी का जन्मदिन था, उसने मुझे फोन भी किया था कि भैया मुझे क्या गिफ्ट लाओगे। मैं भागवत कथा में बलिया गया था, मैंने कहा मैं लौट कर आऊंगा तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा। मैं लौट कर आया तो घर पर उसका शव मिला। देवेश ने बताया कि उसके छोटे भाई गांधी ने फोन किया था कि बदमाशों ने उनका घर को घेर लिया है और धमकी दे रहे हैं। देवेश ने कहा कि मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, इसमें सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। शासन के निर्देश पे हम लोग यहाँ आए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें एक पक्ष के 5 लोगों की और दूसरी तरफ से एक व्यक्ति की हत्या हुई है। इसका कारण भी बताया कि जो सत्य प्रकाश दुबे हैं, इनके भाई ज्ञान प्रकाश दुबे के हिस्से की जमीन जो उन्होंने दूसरे पक्ष को लिख दी थी, उसको लेकर विवाद था। इसमें अभी तक 14 लोग हिरासत में हैं। पूरे प्रकरण में ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। तो आज मेरे भाई का जन्मदिन था और मुझे पता नहीं था कि मतलब जैसे ये लोग ये सब अचानक कांड करेंगे, और उसको आज जन्मदिन था बोला भैया कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो बोले कि ठीक है तुम्हारे चलते मैं कथा में जा रहा हूँ, जो भी मिलेगा तुम्हारा जो भी खुशियाँ तुम अपने लिए कर लेना। आज क्या सूचना मिली आपको? और आज कोई सूचना मिली है, सुबह में बात किया कि भैया ये लोग घर पे मतलब पूरे गुंडों के साथ घेर लिया है लोग और मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। कौन लोग? वो प्रेमचंद्र यादव। आप क्या चाहते हो बाबू? हम उनके लिए चाहते हैं कि उनको सख्त फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि सब पूरे उनके खानदान वालों को अपराधियों को पूरे सख्त सजा, और यही हम गुजारिश करते हैं। जानकारी आपको कौन कौन लोग हैं? जानकारी तो हमारे जिसको जिसको पहचानते उसको हम बता सकते हैं। क्या क्या कौन कौन है बताओ? श्री प्रेमचंद्र यादव हैं, रामजी उनके छोटे भाई श्री रामजी यादव हैं, और उनके पिताजी राम भवन यादव हैं। अच्छा, क्या आप चाहते हैं उनके घरों पे बुलडोजर चले? एकदम चाहते हैं कि हमारे जो खानदान को, हमारा तो मान लीजिए परिवार चला गया, लेकिन उनका परिवार नहीं बचना चाहिए। क्या चाहते हो सरकार से? क्या सरकार से यही निवेदन है कि उनको उनके पूरे खानदान वालों को पूरी फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और रह गई बात कि हमारे ताकि जीवन में किसी के परिवार को आके उठा कर ताकि। प्रशासन के बारे में क्या कहोगे? प्रशासन के बारे में यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन यही इसी के साथ गुजारिश करे ताकि हमारे प्रशासन सहयोग करे। देवरिया से ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट, JK न्यूज़।